हेलो फ्रेंड्स, मैं एम जे सिद्दीकी आज के इस नए वीडियो क्वेश्चन टेक का आसान तरीका में आपको स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन टेक स्कूल कॉलेजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए जाने कि इसे कैसे आसानी से हम सॉल्व करें। क्वेश्चन टेक में एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसका एक टेक बनाना होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें उसका पॉजिटिव टेक बनाना होता है। इसी तरह जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा जाएगा, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना होता है। इसी तरह फुल स्टॉप जो होता है उसे कॉमा में चेंज कर दिया जाता है। ये कॉमन से रूल हैं। आइए सॉल्व करें। ही कैन गो, ही सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद गो के बाद फुल स्टॉप है जिसको कॉमा में बदलना है। तो ही कैन गो, कैन पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दीजिए तो कांट हो गया, और ही सब्जेक्ट था, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क के साथ। ही कैन गो, कांट ही। उसी तरह ही कांट गो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, अब इसका पॉजिटिव होगा कैन ही। ही कांट गो, कैन ही। शी विल प्ले, विल पॉजिटिव है, विल का क्वेश्चन टेक नेगेटिव में होता है वोंट। शी विल प्ले, वोंट शी। इसी तरह वी शैल सेंड मनी, शैल पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव बनेगा शांट। वी शैल सेंड मनी, शांट वी। कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता, उस कंडीशन में हम टेंस के ही रूल को फॉलो करते हैं। अगर वर्ब में एस और यस लगा है तो हम उसमें डज लगाएंगे, अगर वर्ब में सेकेंड फॉर्म दिया है तो हम डिड लगाएंगे, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो हम डू लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। चिल्ड्रन प्ले गेम्स, चिल्ड्रन एक से ज्यादा है इसलिए दे हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए डू, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए बनेगा चिल्ड्रन प्ले गेम्स, डोंट दे। इंडियन प्लेड वेरी वेल, इंडियन एक से ज्यादा है, प्लेड सेकेंड फॉर्म है इसलिए डिड लगेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाइए, इंडियन प्लेड वेरी वेल, इसका बनेगा डिडंट दे। इसी तरह रूल्स को आप याद रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है अबू लव्स प्लेइंग, अबू सिंगल पर्सन है, लव्स में एस लगा है मतलब डज आएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो अबू लव्स प्लेइंग, डजंट ही। उसी तरह अबू डजंट प्ले, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो अब इसको इसका हमें पॉजिटिव टैग बनाना पड़ेगा, तो अबू डजंट प्ले, डज ही। इसी तरह याद रखिए कि nobody, no one, nothing, seldom, hardly, none, ये इंग्लिश के नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो जब कभी किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स आए तो इनका पॉजिटिव टैग हमेशा बनाना होता है। जैसे barking dog seldom bites, seldom bites s लगा है इसलिए does ही होगा, कभी भी doesn't ही नहीं होगा। We hardly shout, hardly है नेगेटिव वर्ड है, shout फर्स्ट फॉर्म में है और we लगा है, तो we hardly shout का बनेगा do we, don't we या doesn't ही आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिए आप। उसी तरह nothing is clear, nothing नेगेटिव वर्ड है तो is it हो जाएगा। Neither of us abused, us जो है वो प्लूरल का ही वर्जन है इसलिए us की जगह we लगेगा, और abused सेकेंड फॉर्म है इसलिए did लगेगा, या didn't we या isn't it नहीं आएगा, बल्कि neither of us abused, इसका बनेगा did we। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें बनाते वक्त। नेक्स्ट है जब कभी इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें सामने सब्जेक्ट नहीं होता उसको हमेशा क्वेश्चन टैग में बनाते समय विल यू या वॉन्ट यू का उपयोग किया जाता है, ये सेंटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम देखते हैं ओपन द बुक्स, ओपन द बुक्स पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए इसका टेक बनेगा वोंट यू। इसी तरह प्लीज हेल्प देम,
ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका बनेगा वोंट यू। नॉट टू गो देयर, ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए इसका पॉजिटिव टेक लगेगा। नॉट टू गो देयर विल यू। डोंट फॉरगेट अदर्स, ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए बनेगा विल यू। डोंट प्लक फ्लावर्स, ये भी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका भी टेक बनेगा विल यू। कभी भी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के साथ वोंट यू का यूज हम नहीं करेंगे। इसी तरह लेट्स, लेट्स का मतलब होता है लेट प्लस अस, अस जो प्रोनाउन है वो वी से बनता है और ये फ्यूचरिटी को बताता है, इसलिए लेट्स के साथ हमेशा शैल वी का उपयोग किया जाता है। लेट्स स्पीक इंग्लिश, शैल वी। लेट्स हेल्प द पुअर, शैल वी। यहाँ शांट वी नहीं आएगा क्योंकि लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स हेल्प एक प्रपोजल है जो फ्यूचरिटी में है और कॉमन हम सबके साथ ये प्रपोजल किया जा रहा है, इसलिए इसमें शैल वी का उपयोग होगा, शांट वी नहीं होगा। इसी तरह लेट हिम, लेट हर, या लेट के बाद कोई भी फीमेल या मेल नाम दिया जाए तो हमेशा उसके साथ विल यू का उपयोग होता है, वोंट यू का नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट हिम कॉल, विल यू। लेट पापा कम, विल यू। लेट हर स्टडी, विल यू। लेट ममा कुक, विल यू। चाहे उसमें हिम आए, हर आए, किसी जेंट्स या लेडीज का नाम आए, लेट के साथ हमेशा विल यू का ही उपयोग होता है। इन सब बातों को आप ध्यान रखें। एक और खास चीज होती है कि एम जो वर्ड है जो सिर्फ आई के साथ लगता है, एमंट कोई कंट्रेक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए एम रहे तो आंट लगाना है, और जब एम नॉट नेगेटिव में आए तो उसके साथ आपको एम आई का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका बनेगा आंट आई, एमंट आई कभी नहीं होता। उसी तरह आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, इसका होगा एम आई, एमंट आई नहीं। तो प्लीज जब कभी आप क्वेश्चन टेक बनाएं तो इन तमाम रूल्स को आप याद रखें, इन दुआओं के साथ कि आप अपने जीवन में कामयाब होएं और एग्जाम में सफल होएं। प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे जो सब्सक्राइबर लाल कलर का बटन दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करें और उसी के बाजू में बेल आइकॉन है उसे आप दबाएं और मेरा लेटेस्ट वीडियो पाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, शुक्रिया।